नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ ईसाई समुदाय ने पंजाब बंद बुलाया है, जिसमें कई सार्वजनिक संगठनों ने ईसाई समुदाय का समर्थन भी किया है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने भी इस पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए दुकानदारों, स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल को बंद रखने की अपील की थी। इस बीच एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल भी नहीं रोकी जाएंगी, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। गुरदासपुर से इस पंजाब उत्सव को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। गुरदासपुर में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई नजर आईं, वहीं फरीदकोट में बाजार खुले हुए दिखे। ईसाई समुदाय के नेता बाजार में निकले और लोगों से दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। उनके अनुसार ये शर्मनाक है कि सरकार की नाकामी के बाद सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती तो मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं। कई मार्केट खुली थी जिसको ईसाई समुदाय के नेता बंद करवाते दिखे और ईसाई समुदाय और समर्थन कर रहे समुदाय के लोग गली गली में घूम रहे हैं ताकि मार्केट जो खोल रहे हैं उसे बंद करवाया जाए। उन्होंने लैके अज पंजाब पूरे जोड़ा वा बंद किया गया वाल्मीकि समाज से क्रिश्चन समाज वालों तो की पुख्ता इंतजाम आज आप कपूरथले की गल करिए। असी शहर के तकरीबन 200 के करीब फोर्स लाई है, जिते जिते प्रोग्राम ने उत्थे पुख्ता प्रबंध असी सिक्योरिटी के किए हैं, तो कोई भी योग्य अणसुखावी घटना ना हो। बाकी आम जनता तो इन्हों प्रदर्शनकारियों भी असी गलबात कर ली है, तो सारा ठीक अमन मान न सारा रोस पर सर जी हम देखने को मिले कि इन्होंने कुछ दुकाना जी बंद कराइया धक्के तो स्कूल जरा सरकारी स्कूल उ जाके इन्होंने स्कूल बंद कराया कि कहेंगे स्कूल से प्रोटेस्ट करके गए थे प्रिंसीपल ने इन्हों की जी करके छुट्टी कर दी स्कूल। इसके साथ साथ जलंधर में भी एक स्कूल चल रहा था जिसे समुदाय के लोगों ने पहुँच कर बंद करवाया। स्कूल में कई मासूम बच्चे भी थे जिन्हें स्कूल बस से सुरक्षित घर पहुंचाने के बंदोबस्त भी किए गए। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग स्कूलों की दीवारों को फांदते हुए स्कूल में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के कमरे खुलवा कर टीचर से अपील कर रहे हैं कि स्कूल को बंद किया जाए। हालांकि स्थिति बिगड़ी नहीं और कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन तनाव जरूर पड़ा था। लेकिन ऐसे समय में बच्चों को स्कूल बुलाना उनके लिए बड़ा खतरा भी बन सकता था। गनीमत रही कि कोई हिंसा नहीं हुई। भाई की गल है, स्कूल तुसी बंद दी कॉल कीती, उत्थे कई स्कूल ते बंद आ ते अज फिर सर इनफॉर्मेशन मिली सी मैनूं बच्चों कोल गई सी सर कि स्कूल खुल्ला पिया वा, फिर जिस करके मैं इत्थे स्कूल विच बाहर आया ते अंदर बच्चे बैठे ने। जदों मैं बुआ नाल पुछ कीती ते इहनां स्कूल नहीं खोल्या, दरवाजा मैडम भज्जियां नजर आ रहीयां। पंजाब बंद का आह्वान करने वाले सभी समुदायों का कहना है कि उनका बंद पूरी तरह शांतिपूर्वक होगा, लेकिन कई जगह तनाव बिखरता दिखाई जरूर दिया। उनके बंद के दौरान कोई उपद्रव नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना था। बंद करने जा रहे समुदायों का एक संयुक्त रूप से कहना है कि बेशक बाजार से लेकर हाईवे तक बंद रहेंगे। उन्होंने दुकानदारों से भी दुकानें बंद रखने की अपील की है, लेकिन गुरदासपुर में पंजाब बंद के आह्वान के चलते भी बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। लेकिन पंजाब के लोग, पंजाब की मार्केट, पंजाब के स्कूल बहुत जगह खुले दिखाई दिए, जिसे एक विशेष समुदाय ने जाकर वहां बंद करवाया और कुछ तो ज़बरदस्ती मार्केट को बंद करवाते दिखे। विशेष समुदाय के लोग जब सड़कों पर घूम रहे थे तो डर से लोग अपने आप ही शटर डाउन करते भी दिखे। आपको इस वीडियो के साथ छोड़ते चलते हैं और आप खुद देखिए कि कैसे स्थिति पंजाब में बिगड़ी हुई है।